के पहले जितना भी ट्रांसपोर्टेशन लगता था उस पे जीएसटी नहीं लगता था। मतलब अगर 1 लाख का गुड्स मैंने परचेज किया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपीज है, तो 1 लाख 1,000 प्लस एक्साइज प्लस जीएसटी और फाइनल कॉस्ट निकलता था। बट अभी जो भी परचेज मेरा आउट ऑफ स्टेट हो रहा है उस पर 12% जीएसटी लग के आ रहा है सर। तो हाउ आर यू प्लानिंग टू टैकल दिस सिचुएशन? मतलब इफ 1 लाख रुपीज का ग्रॉस गुड है, 1,000 इज द कॉस्ट प्लस 12%, तो इट वर्क्स आउट टू बी, मतलब उसमें टैक्सेस एक्स्ट्रा लग के आ रहे हैं। तो पहला सवाल, कैन वी अवॉइड दिस जीएसटी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन? अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो हाउ शुड वी टेक द टैक्स इनपुट क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स? तो टैक्स इनपुट क्रेडिट तो वैसे भी मिलेगा, व्हाट इज बदरिंग या सो जीएसटी के पहले ये हमको टैक्स नहीं लगता था सर। लगता था पहले भी, सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स रिवर्स चार्ज में वैसे भरना पड़ता था। बात ये है कि आप बोल रहे जो 18% लग रहा है, अगर वो अवॉइड करना है तो ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर एज अ कंपनी मैं प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है वो मुझे ट्रांसपोर्टेशन पे भी भरना पड़ेगा, इफ आई एम पेइंग द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एज एन इंडस्ट्री। लेकिन एज अ कस्टमर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे हैं तो आपको 5% ही देना है, उसमें भी एग्जम्पशन नहीं रहेगा, 5% जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। और एनी हाउ अगर आप वो वापस से बेच रहे हैं चीज को तो आपको 18% जीएसटी है, तो आपको वो फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पे तो 18 भरना ही है। तो बेटर है कि आप 18% टैक्स दे के उसका पूरा 18% क्रेडिट ले लें अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंजम्पशन के लिए तो बात अलग है। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज आस्क मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज मार्केटिंग जीएसटी क्लिनिक इज देयर, बिकॉज वी एवरी फ्राइडे वी कंडक्ट अ जीएसटी क्लिनिक वेयर यू कैन आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस, देयर ऑल टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ जीएसटी आर हियर। इवन यू कैन सेंड अ मेल, हां यू कैन सेंड अ मेल, या राहुल। मेरा क्वेश्चन विशाल भैया से था। विशाल भैया, जैसे आपने विशाल सर विशाल सर जैसे आपने आपका प्लान तो एक मीन्स मे बी 15 साल पहले से चालू किया, तो आपने आज छोटे जो इंडस्ट्रीज थी उनसे भी कॉम्पीट किया, बड़े इनसे भी कॉम्पीट करते हुए आज एक लेवल पे पहुंचे हैं। तो एक 3-4 टिप्स जो आप दे सके सबको मार्केटिंग के लिहाज से, कि आपने कैसे अपना प्रोडक्ट डेवलप किया, क्या नीश डेवलप किया, उसको कैसा ब्रांड बना के उसको आज आपने ऋतिक रोशन को साथ में ज्वाइन कर लिया, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर मे भी 2-3 पॉइंट्स का जो बोल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने ये पॉइंट्स कवर किए थे, लेकिन मैं दोबारा एक इस चीज को बताता हूँ कि मैंने पहले कहा था कि फंड मैनेजमेंट, ये मैंने ऑब्जर्व किया था कि इनिशियल डेज में हम लोग क्रेडिट सेल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं एज एन एसएसआई यूनिट, क्योंकि हमारी सेम ही होती है। हम किसी के भी पास जाते हैं वो बोलेगा 1 महीने में पैसा दूंगा, तो वी आर बाउंड हम उसके आगे झुक जाते हैं और उसकी बातें मान लेते हैं, तो हमारा पूरा पैसा वहीं लग जाता है। तो आप ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते, ना आप नई मशीन खरीद सकते, ना कुछ कर सकते, नया शेड नहीं खरीद सकते, नई लैंड नहीं खरीद सकते, आपका पैसा पूरा सब आपके कॉम्पिटिटर के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास जमा होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ऐसी है कि आज की डेट में हमारी क्रेडिट जो है उसे 10 टाइम्स ज्यादा हमारे पास लोगों का पैसा जमा हुआ है। तो हम लोग को, माय डीलर का मैं पार्टनर इन माय बिजनेस इनडायरेक्टली, तो हमें फंड्स की प्रॉब्लम नहीं रहती। आज हमें जगह लेना है, मशीन पे इन्वेस्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट करना है, तो हमें उसका कॉस्ट बहुत कम लगता है क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो जो एसएसआई यूनिट्स का मैंने एक मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आप अपने सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का कितना उधारी है उसको कैलकुलेट कर लो। तो उसने सबसे बोला कि मेरा 5 लाख का उधारी है। मैंने कहा तू इसको उधारी लेना बंद कर दे और ये 5 लाख की एक तू नई मशीन ले ले, तो तेरा कॉस्टिंग कितना कम हो जाएगा। ये मैं 10 साल 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कैलकुलेट किया तो बोला हाँ, मैं 8 आने 1 रुपए किलो सस्ता कर सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट। मैंने कहा मैं यही करता हूँ, 8 आने 1 रुपए सस्ता हुआ वो सस्ता कस्टमर को फॉरवर्ड कर दो। तो आपको कैश में ले लेता है? हाँ, एडवांस पेमेंट में या इमीडिएट पेमेंट में ले लेता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सारी एसएसआई यूनिट्स जो मतलब ग्रो नहीं कर पाती है वो बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, जितना आप अवॉइड कर सके मेरे हिसाब से अच्छा है।
Okay, last question because we are running out of time. Sir, good evening to all the panelists. My sir, short, very short. My specific question is to Mr. Sanjay Singh. Sir, service sector accounts to predominant contribution to GDP of the country. Sir, what will this GST will have an impact on job creation in unorganized sector? In an organized sector like banks, insurance, airlines, telephone, FMCG, consumer durables, it will have a very good impact, no doubt about that. And they say that 1 lakh employees will be needed in taxation, data analysis. Sir, short question, we are running out of time. My question to you is this very specific. What impact it will have in sales and marketing employment in unorganized sector? Service sector. Unorganized service sector. Unorganized service sector. So I can very strongly say that sales and marketing ke bahut achhe din aa gaye, right? Because sales and marketing is going to become a big differentiator now. Your ability to reach out to the market as much as you can is the only way you are going to reduce your cost, right? And you're going to consume your entire production. So definitely there is going to be a very positive impact in all sectors. Why only service sector? In all sectors, right? But specifically in sales and marketing, huge potential. Someone who was managing his business with two salespeople would now have to start thinking in terms of 20 and 40 and 100. So how to recruit large sales teams, how to manage large sales teams is a challenge which everyone has to learn, especially SMEs have to learn, understand and start doing it. So answering your specific question to that, as far as service sector is concerned, with rise in production, with rise in economy, with rise in business, just like any other sector, service sector will also boom, right? So there is no looking back. But earlier it was always a question of being efficiently effective. Today, now the days have changed. Now you have to be excellently effective. So the shift from efficiency to excellence is very pronounced, and all those of us who understand how to shift, well, all of you were efficient earlier, that is why you are surviving, but now just being efficient is not good enough, you got to embrace excellence. So that journey from efficiency to excellence is something we need to understand. Thank you. Thanks a lot. Because of time constraints, we will not be able to take any more questions. And as it has already been informed, you know, we have our GST minister. Any technical questions are, you know, if you all want to ask, you all can even mail or attend our clinic. I would like to propose a formal word of thanks. Thanks to all our wonderful panelists. I know aap logo ke man mein bahut sare sawal hain, sabka answer to abhi nahi mil sakta hai. But I'm sure this panel discussion has made a few points really clear. So abhi filhal aap log soch rahe hain register karna hai nahi karna hai, तो बेटर है कि यदि आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए. कॉम्पोजिशन स्कीम का जो बताया, आपको अपना देखना है आप किन के साथ डील करना चाह रहे हैं, बी टू बी में रहना चाह रहे हैं, बी टू सी में रहना चाह रहे हैं. सो यू हैव अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट हैव बीन मेड क्लियर. वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से हियर इज, हमारे सारे पैनलिस्ट ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि ये अभी करेंटली हनीमूनिंग फेज चल रहा है, तो आपकी गलतियां चल रही हैं, तो honeymoon gets over, right? So be prepared for it. Register karna hai, kya karna hai, comply kijiye taki aap apna business aage badhane ka sochiye. So innovation is the key that all our panelists have told us. So I think we should end here today. Thanks to all of you, and of course I would like to give a special thanks to Akash for moderating the session so well and making things very clear for our audience here. And I would also like to thank our audience to come here in huge numbers and take benefit of this panel discussion. And I would also like to thank our VIA office and the media persons for giving wonderful coverage. Thanks a lot. Yeah, please do join us for tea. Yeah, please do.